हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन दी वीडियो। आज की वीडियो में हम फिक्स्ड प्रपोजिशन पर एक एक्सरसाइज ले रहे हैं जिसमें कि हम 30 क्वेश्चन करेंगे। आप वीडियो के एंड तक बने रहिए और देखिए कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक होते हैं और आपको कितना नया सीखने को मिलता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो फिक्स्ड प्रपोजिशन होती है वो किसी ऐसे वर्ड के बाद में आती है, कम्स आफ्टर ए वर्ड विच मे बी ए वर्ब, ए नाउन और एन एडजेक्टिव, तीनों में से कोई भी हो सकता है, पर जो उसके बाद में वर्ड आता है वो एक नाउन ही होता है। जैसे प्रपोजिशन होती है एक नाउन से, किसी नाउन या नाउन फ्रेज से पहले आती है, तो जो उसके बाद वर्ड आएगा, प्रपोजिशन के बाद में वर्ड आएगा वो तो नाउन ही होगा, या नाउन ही होगा या नाउन फ्रेज होगी या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगी, नाउन की कोई ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी। हाँ, तो फिक्स्ड प्रपोजिशन की जो मेन इंपॉर्टेंस यही होती है कि जो जिस वर्ड के वो बाद में आती है, जैसे यहाँ पे कंट्रेरी है, इसके बाद जो फिक्स्ड प्रपोजिशन आ रही है तो इसका जो मीनिंग है उस प्रपोजिशन के साथ ही पूरा क्लियर होना है। इस तरह से फिक्स्ड प्रपोजिशन का प्रयोग ग्रामर में किया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एन FIR हैज बीन फाइल्ड आफ्टर द एक्सीडेंट, कोई एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद एक FIR फाइल की गई है, बट द पुलिस रिपोर्ट इज कॉन्ट्रेरी द फैक्ट्स, पर जो पुलिस की रिपोर्ट है FIR है वो फैक्ट्स के कॉन्ट्रेरी है। कॉन्ट्रेरी मीन विपरीत, उसे उल्ट है, उसके अपोजिट है। तो कॉन्ट्रेरी के बाद जो प्रपोजिशन आती है, फिक्स्ड प्रपोजिशन आती है, वो टू आती है। तो आंसर जो हमारा है वो टू हो जाना है, तो एट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज ब्लंट रिक्वेस्ट वाज टेंटामाउंट टू ए कमांड। ब्लंट मीन जो तीखा ना हो, कुंद हो, इस यहाँ पे क्या आएगा, रुखी। उसकी जो रुखी आवाज में रिक्वेस्ट थी, विनती की उसने, वाज इस तरह से की, वाज टेंटामाउंट टू, टेंटामाउंट मीन उसके बराबर, इक्वल टू, ऐसा इक्वल टू टेंटामाउंट टू ए कमांड। कमांड मीन्स ऑर्डर, जो उसने रिक्वेस्ट की है वो एक ऑर्डर, कमांड के तुल्य थी, कमांड के बराबर थी। जो टेंटामाउंट के साथ प्रपोजिशन आती है वो ऑलवेज टू आती है। तो यहाँ मैं आपको बता दूँगा, ये टेंटामाउंट एक ऐसा वर्ड है जो बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग इसको रॉन्गली यूज़ करते हैं। इसको ज़्यादातर लोग एज वर्ब यूज़ करते हैं, टेंटामाउंट टू, वाज टेंटामाउंट लिखेंगे टेंटामाउंट टू, टेंटामाउंट टू ऐसा लेंगे। तो टेंटामाउंट जो वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है, इसको एज एडजेक्टिव ही यूज़ करना है, इसको एज वर्ब यूज़ नहीं करना है। तो इसके साथ जो प्रपोजिशन आनी है वो टू ही आनी है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही लव्स हिज मारुति 800 टू मच टू पार्ट इट। तो वो अपनी जो मारुति 800 उसकी पुरानी है, उसको वो इतना प्यार करता है, इतना ज़्यादा प्यार करता है कि वो उससे अलग नहीं हो सकता। यहाँ पे पार्ट के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन आती है वो विद होती है, पार्ट विद इट, कि वो इससे अलग नहीं हो सकता। पार्ट विद मीन होता है किसी चीज़ से अलग होना। ही लव्स हिज मारुति टू मच टू पार्ट विद इट, तो पार्ट के साथ जो फिक्स्ड प्रपोजिशन आती है वो विद आती है, तो इसका मीनिंग निकलता है कि आप किसी चीज़ से अलग होना, तो ये किसी चीज़ को छोड़ना। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, पार्ट विद। तो आपने याद रखना है, तो अगर किसी चीज़ को छोड़नी है, किसी चीज़ से अलग होना है, तो मीन उसका वहाँ पे प्रपोजिशन आपने यूज़ करना है पार्ट विद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड वर्क एंड परसिवियरेंस आर इंडिस्पेंसेबल सक्सेस इन लाइफ। हार्डवर्क सख्त मेहनत, परसिवियरेंस क्या होता है, परसिवियरेंस का मीनिंग होता है कि आप किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए अपने एफर्ट्स, अपनी कोशिश जारी रखें, इसके बावजूद कि आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है, कोई मुश्किलें आती हैं, कोई फेलर आती है, जहाँ कोई आपकी अपोजिशन होती है, तो किसी कोई कुछ भी हो, आप अपना एफर्ट्स जारी रखें,
आप किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, अटेन करने के लिए अपना एफर्ट जब जारी रखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं डिस्पाइट ऑल दी ऑड्स, कुछ आपके अगेंस्ट भी हो, कोई फेलर भी हो, तो उसका मीनिंग वो होता है परसिवियरेंस। में हम परसिवियरेंस को दृढ़ता कहेंगे, हट कहेंगे, जहाँ अटलता कहेंगे। आर इंडिस्पेंसेबल, इंडिस्पेंसेबल क्या होता है, जिसके बिना कोई काम ना हो सके, बहुत जरूरी, असेंशियल, फंडामेंटल, जिसके बिना कुछ हो ही ना सके। सो हार्ड वर्क, हट, दृढ़ता और सक्सेस के लिए इंडिस्पेंसेबल हैं, जरूरी हैं। उसके बिना सक्सेस आपको लाइफ में नहीं मिल सकती। तो इंडिस्पेंसेबल के बाद जो प्रपोजिशन आती है वो आती है फॉर, इंडिस्पेंसेबल फॉर सक्सेस इन लाइफ। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियरली 97% पेशेंट्स हैव रिकवर्ड कोविड 19। 97% के करीब जो पेशेंट थे कोविड के, वो रिकवर हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। जब बीमारी से रिकवरी की बात हो, बीमारी से ठीक होने की बात हो, तो वहाँ पे जो प्रपोजिशन आती है फ्रॉम आती है। अगर बीमारी से किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद प्रपोजिशन जो आती है वो ऑफ आती है, डाइड ऑफ। रिकवरी होती है तो प्रपोजिशन फ्रॉम आती है, अगर डेथ किसी की डेथ हो जाती है तो प्रपोजिशन ऑफ आती है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो डी हो जाएगा। नाउ मैनी स्टूडेंट्स इंसिस्ट स्टडिंग इन कैनेडा, आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो कैनेडा जाने के, कैनेडा में पढ़ाई करने की इंसिस्ट करते हैं। इंसिस्ट करना, जिद करना या हट करना, उसके लिए जोर देके बोलना, जोर देना किसी की बात पे। अगर आपको मना भी करे तो भी आप कहें कि मैंने यही करना है, तो इंसिस्ट ऑन। आपको मना भी किया जाए तो भी आप कहें कि मैंने यही करना है, तो उसका मीनिंग इंसिस्ट होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर पावर इज ए चीप सब्स्टिट्यूट कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो सूर्य से ऊर्जा मिलती है वो जो हमारी रवायती ऊर्जा के स्रोत हैं, उनसे वो उनका वो एक सस्ता बदलाव है। चीप मीन सस्ता, सब्स्टिट्यूट मीन विकल्प, बदलाव है। तो सोलर पावर है जो हमारे कन्वेंशनल मीन परंपरागत, जो हमारे परंपरागत एनर्जी के, ऊर्जा के स्रोत हैं, उनका एक सस्ता विकल्प है। तो सब्स्टिट्यूट के बाद जो प्रपोजिशन आती है वो सब्स्टिट्यूट फॉर। जब भी आपने सब्स्टिट्यूट किसी का ढूंढना है तो वहाँ पे प्रपोजिशन आपने फॉर लगानी है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। यू नीड नॉट अफ्रेड क्रिटिसिज्म, अफ्रेड मीन किसी से डरना, आपको आलोचना, क्रिटिसिज्म मीन आलोचना से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो अफ्रेड के बाद जो प्रपोजिशन आती है वो आती है ऑफ आती है। कहीं भी अफ्रेड आना है, यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ समथिंग, आंसर सी हो जाएगा। तो अफ्रेड के बाद, जिसमें चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, तो ऐसे जब भी कोई किसी से डरता है अफ्रेड आता है, अफ्रेड के बाद जो प्रपोजिशन आनी है वो ऑलवेज ऑफ आनी है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिडेंट्स वर अलार्म्ड द न्यूज ऑफ इमिनेंट रेन्स, रेन। रेजिडेंट निवासी, जो किसी एरिया के निवासी थे, वो अलार्म हुए, अलार्म भयभीत हुए, चिंतित हुए या सतर्क हुए। न्यूज़, किस चीज़ की न्यूज़ सुनकर, न्यूज़ ऑफ इमिनेंट। इमिनेंट क्या होता है, जो कोई चीज़ अभी होने वाली हो, अभी वापरने वाली हो, जो अभी होने वाली है। मीन जब रेजिडेंट्स को, निवासी को ये पता चला कि उनको अभी हैवी रेन्स होने वाली हैं, तो वो बहुत अलार्म थे, वो भयभीत थे, चिंतित थे। तो अलार्म के बाद जो प्रपोजिशन आती है वो एट आती है। तो जब भी कहीं अलार्म्ड वर्ड आता है तो यहाँ पे आपने प्रपोजिशन वहाँ पे एट यूज करनी है। यहाँ पे हमारा आंसर सी हो जाएगा। बीइंग ए फ्रेंड, आप मेरे, यू कैन ऑलवेज डिपेंड मी, आप मेरे दोस्त हो इसलिए आप ऑलवेज हमेशा मेरे ऊपर डिपेंड कर सकते हो, निर्भर कर सकते हो, तो आश्रय कर सकते हो। डिपेंड के बाद जो प्रपोजिशन आती है वो आती है ऑन, यू कैन ऑलवेज डिपेंड ऑन मी, क्योंकि मेरे आप दोस्त हो, आप हमेशा ही
सदैव मेरे ऊपर निर्भर कर सकते हो, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्वेंट हु इज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट हैड एन इजी एक्सेस ऑल पार्ट्स ऑफ द हाउस। जो नौकर जिसके ऊपर अभी थेफ्ट में चोरी का अक्यूज में दोष है, इल्जाम है, वो उसको उसको क्या था, जो हाउस है मकान के सारे पार्ट हैं उनके लिए उसके पास पहुंच थी, तो वो किसी भी मकान जो वहाँ पे चोरी हुई है वो मकान के किसी भी पार्ट में इजीली जा सकता था, एक्सेस मीन पहुंच। एक्सेस के बाद जो प्रपोजिशन आती है वो ऑलवेज टू आती है। सर्वेंट हु इज अक्यूज ऑफ थेफ्ट, जिसको ऊपर अभी चोरी का दोष लगाया गया है, हैड एन ईजी एक्सेस टू ऑल पार्ट्स ऑफ द हाउस, उसके पास सभी मकान के सभी पार्ट्स में जाने का आसान पहुंच था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली ए फ्यू पीपल, बहुत कम लोग हैव करेज, उनके पास हौसला है, टू स्टैंड ए जस्ट कॉज, बहुत कम लोगों के पास ऐसा हौसला होता है, हिम्मत होती है कि वो जस्ट न्यायपूर्ण काज के लिए खड़े हो सकें, उसके पक्ष में बोल सकें, उसके पक्ष में बात कर सकें। तो स्टैंड के बाद टू स्टैंड फॉर ए गुड काज और जस्ट काज, जब आप किसी के लिए स्टैंड लेते हैं तो उसके बाद प्रपोजिशन जो आती है सी फॉर आती है, तो आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेबल इज मेड वुड, जब ऐसे मेड के बाद जो जब किसी चीज़ की कोई चीज़ बनी होती है तो मेड ऑफ वुड, वुड मीन्स लकड़ी, टेबल जो है लकड़ी का बना हुआ है। तो इसी तरह से अगर कोई चीज़ आयरन की बनी हो, स्टील की बनी हो, कॉपर की बनी हो, एल्युमिनियम की बनी हो, या किसी और चीज़ की बनी हो, तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है दैट दिस पर्टिकुलर आइटम इज मेड ऑफ आयरन स्टील कॉपर और समथिंग, यहाँ पे इज मेड ऑफ वुड लकड़ी, तो आंसर यहाँ पे बी हो जाना है। टेम्परेंस एंड एम्प्लॉयमेंट आर कंड्यूसिव टू हेल्थ, टेम्परेंस होता है आप जब किसी चीज़ से परहेज करते हैं, स्पेशली जब आप अल्कोहल से, दारू से, शराब से अल्कोहल परहेज करते हैं, नहीं पीते हैं, तो उसको टेम्परेंस कहते हैं। एम्प्लॉयमेंट रोजगार होता है, जब आप शराब नहीं पीते हैं या और किसी चीज़ का परहेज करते हैं जो आपको नुकसान देख है और आपको रोजगार भी मिला हुआ है, तो दोनों चीज़ें क्या होती हैं, हेल्पफुल। कंड्यूसिव क्या होता है, हेल्पफुल, जहाँ सहायता देने वाला, सहायक, जो किसी चीज़ को करने में और सहायक दे, सहायक हो, आपकी हेल्प करे, तो कंड्यूसिव टू हेल्थ। कंड्यूसिव के बाद जो प्रपोजिशन आती है वो टू आती है, टेम्परेंस एंड एम्प्लॉयमेंट आर कंड्यूसिव टू हेल्थ, जो आप शराब नहीं पीते हैं और एम्प्लॉयमेंट है आपके पास, तो आपकी सेहत के लिए ये बढ़िया है, तो आपकी सेहत को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज डोनेशन ऑफ बिग अमाउंट ऑफ मनी टू चैरिटेबल हॉस्पिटल इज वर्दी प्रेज, उसने जो एक बड़ी अमाउंट किसी चैरिटेबल दानशील, जहाँ पे आपका ट्रीटमेंट वो सस्ता होता हो, कम रेट पे होता हो, दानशील या खैरती जो हॉस्पिटल है उसको जो उसने बड़ी रकम है, जो बड़ी अमाउंट डोनेशन में दान में दी है, उस क्या है वो प्रेज, तारीफ के, प्रशंसा के योग्य है। तो वर्दी के बाद जो प्रपोजिशन आती है वो आती है वर्दी ऑफ प्रेज, तो आंसर यहाँ पे बी हो जाना है। रेगुलर हार्ड वर्क इज द की सक्सेस, रेगुलर नियमित जो आप सख्त मेहनत करते हैं वो आपकी सक्सेस के लिए की है, चाबी है। तो सब की के बाद जो प्रपोजिशन आती है वो आती है टू, इज की टू सक्सेस, तो आंसर हमारा ए हो जाना है। की के बाद जो प्रपोजिशन आनी है टू आनी है, वर्दी के बाद ऑफ आनी है। द फूड ग्रेन स्टोर इज इन्फेस्टेड रैट्स, इन्फेस्टेड होता है जब कहाँ, जब किसी स्थान पे कोई कीड़े मकोड़े या ऐसे कोई जानवर जो होते हैं जो नुकसानदेह हों, ज़्यादा मात्रा में फैल जाएं, तो इन्फेस्टेड होता है वो वर्ड, उस तो इन्फेस्टेड ये जो वर्ड है यूजली इन नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है, जब कोई ऐसी चीज़ स्पेशली कीड़े मकोड़े, रैट्स वगैरह या इवन कॉकरोच वगैरह कहीं पर ज़्यादा हो जाएँ और आपका नुकसान कर सकें, तो वहाँ पे जो वर्ड है रैट्स यूज़ किया जाता है, जो इन्फेस्टेड यूज़ किया जाता है। इन्फेस्टेड के बाद जो प्रपोजिशन आती है वो विद आती है।
with. Food grain store is invested with rats. House is invested with cockroaches. तो हम ऐसे infested को use करते हैं. Next question है, the new employee is good. Making excuse. जो नया employee आया है वो बहाने बनाने में अच्छा है, माहर है. जो good के बाद proposition आती है वो good at. If you are good at something, he is good at making excuses. He is good at mathematics. He is good at English. तो ऐसा भी इसको use करते कर सकते हैं. तो answer हमारा B हो जाना है यहाँ पे. So next question है, this article in the paper is replete errors. जो paper में अखबार में एक article छपा है, क्या है ये गलतियों से भरा हुआ है. Replete means भरा हुआ, full हो, full परिपूर्ण. तो जब ऐसी हो, जो replete word है ये positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है. ऊपर जो वर्ड आया था infested, वो यूजली नेगेटिव ही आएगा. रिप्लीट विद एरर्स, तो रिप्लीट के बाद जो प्रपोजिशन आती है वो विद आती है. तो आपने इसको याद रखना है. क्वालिटी ऑफ फूड सर्व्ड हियर इज इन्फीरियर दैट एट मैनी अदर ईटरीज. जो यहाँ पे फूड सर्व किया जाता है उसकी क्वालिटी, जो गुणवत्ता है वो जो कहीं और जगह पे खाने की जगह है, जो वहाँ पे फूड सर्व किया जाता है उनसे वो इन्फीरियर है, नीचे दर्जे की है, नीम है. तो इन्फीरियर के बाद जो प्रपोजिशन आती है वो टू आती है, इन्फीरियर टू दैट. तो इन्फीरियर, इवन सुपीरियर के बाद भी जो प्रपोजिशन टू आती है, इन्फीरियर होता है किसी से कम दर्जे का होना, कम क्वालिटी होना, नीच क्वालिटी होना, तो हीन क्वालिटी होना, सुपीरियर होना तो बढ़िया होना. सुपीरियर और इन्फीरियर, इनके साथ जो प्रपोजिशन आती है वो टू आती है. तो आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज एडेप्ट ड्राइविंग. ही कैन ड्राइव इवन थ्रू नैरो लेन्स. वो ड्राइविंग में, गाड़ी चलाने में माहिर है. वो नैरो लेन्स मीन तंग गलियां, तंग स्ट्रीट्स में, संकीर्ण गलियों में भी गाड़ी चला सकता है. तो अडेप्ट के बाद जो प्रपोजिशन आती है वो एट आती है. अडेप्ट एट समथिंग, अडेप्ट एट ड्राइविंग, अडेप्ट एट डांसिंग, अडेप्ट एट एनीथिंग एल्स. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा जो है डी आना है, अडेप्ट एट. ही इज प्रोफिशिएंट. प्रोफिशिएंट मीन भी होता है कुशल होना, प्रवीण होना किसी चीज़ में. ही इज प्रोफिशिएंट कंप्यूटर ऑपरेशन. वो कंप्यूटर ऑपरेशन में प्रोफिशिएंट है, प्रवीण है, कुशल है. और जो प्रोफिशिएंट के बाद जो प्रपोजिशन आती है हमारे पास वो आती है इन आती है, प्रोफिशिएंट इन. तो अडेप्ट के बाद प्रपोजिशन एट आती है, प्रोफिशिएंट के बाद जो प्रपोजिशन आती है वो इन आती है. तो आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाना है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लैंड ऑफ पंजाब इज आइडियल एग्रीकल्चर. जो पंजाब की लैंड है, जमीन है, वो एग्रीकल्चर खेती के लिए वो आइडियल है, अनुकूल है, आदर्श है. आइडियल के बाद जो प्रपोजिशन आती है वो फॉर आती है. तो आंसर यहाँ पे सी हो जाना है. हिज कमांड इंग्लिश इज गुड. जो उसकी कमांड इंग्लिश पर है वो अच्छी है, बढ़िया है. तो कमांड का यहाँ पे जो मीनिंग है वो है ए ग्रेट नॉलेज ऑफ ए सब्जेक्ट. जब आपको किसी सब्जेक्ट का तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो, काफ़ी अच्छा नॉलेज हो, तो वहाँ पे हम जो वर्ड यूज़ करते हैं हिज कमांड, कमांड ऑफ नॉलेज. हिज कमांड प्रपोजिशन क्या आती है इस सिचुएशन में, कमांड ऑफ. हिज कमांड ऑफ इंग्लिश इज गुड, हिज कमांड ऑफ मैथमेटिक्स इज गुड, ऐसे हम बोलेंगे. अगर कमांड के जो मीनिंग होता है एक अथॉरिटी भी होता है, जो ज़्यादा हम समझते हैं आर्मी में यूज़ किया जाता है. हिज कमांड मीन्स अथॉरिटी. तो अथॉरिटी के बाद जो प्रपोजिशन आनी है, जब इस सेंस में यूज़ करेंगे, अथॉरिटी के सेंस में यूज़ करेंगे कमांड को, तो वहाँ पे जो प्रपोजिशन आनी है वो ओवर आएगी. तो कमांड ऑफ इंग्लिश इज गुड, जब नॉलेज की बात करनी है, ऑफ जब अथॉरिटी की बात करेंगे तो ओवर आएगी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी शुड अवेल द अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड बाई द गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट ने हमें मौका दिया है उसको हमें अवेल करना चाहिए, उसका हमें लाभ लेना चाहिए. अवेल का मीन
लाभ लेना चाहिए। तो अवेयर के बाद जो प्रपोजिशन आती है वो ऑफ आती है, वी शुड अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड बाई द गवर्नमेंट, तो सरकार ने हमें मौका दिया है उसका हमें लाभ लेना चाहिए। तो हमारा आंसर यहाँ पे बी हो जाना है। द लैंडलॉर्ड वाज अक्यूज्ड मर्डर ऑफ हिज टेनेंट, तो लैंडलॉर्ड है मकान मालिक है वो उसके किराएदार की हत्या का दोषी है, उसकी लैंडलॉर्ड के ऊपर उसके किराएदार की हत्या का इल्जाम है। अक्यूज्ड के बाद जो प्रपोजिशन आती है अक्यूज्ड ऑफ सम क्राइम, अक्यूज्ड ऑफ आती है, ही इज अक्यूज्ड ऑफ ए क्राइम, जब ऐसे किसी भी को बोलना है, किसी को दोष देना है, किसी के इल्जाम लगाना है, तो वहां पे प्रपोजिशन ऑफ आनी है, अक्यूज्ड ऑफ ए क्राइम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई विल एम ए हायर रैंक इन द नेक्स्ट एग्जाम, जो नेक्स्ट एग्जाम आने हैं, जो आने वाला एग्जाम है उसमें मैं जो हायर रैंक ऊपर वाला रैंक लेने के लिए एम करूंगा। एम मीन क्या होता है, लक्ष्य या उद्देश्य, यहाँ पे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोशिश करना, तो यहाँ पे ये मीन निकलता है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोशिश करना। आई विल एम एट ए हायर रैंक, वैसे एम का यूज करना है किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, तो उसके बाद जो प्रपोजिशन आनी है वो एट आनी है, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो विल से एम एट, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम सिक द होल बिजनेस, सिक मीन्स बीमार होता है, तो होल बिजनेस जो सारा कुछ बिजनेस मीन यहाँ पे वो सारा ये बिजनेस है सारा कुछ हो रहा है उससे मैं सिक हूँ, यहाँ पे सिक का जो मीनिंग है मैं तंग हूँ उस पे उससे, जब इस तरीके से सिक यूज किया जाना है तो सिक के बाद जो प्रपोजिशन आती है ऑफ, आई एम सिक ऑफ द होल बिजनेस, मैं जो ये सारा कुछ हो रहा है तो सारा कुछ बिजनेस है जो हो रहा है उससे मैं बहुत तंग हूँ। आई एम सिक ऑफ ऑल दी पर्सन, सिक ऑफ ऑल दी थिंग्स हैपनिंग अराउंड मी, ऐसे सिक के बाद प्रपोजिशन ऑफ यूज करना है, ऐसे सिक को यूज किया जाता है, आई एम सिक ऑफ ऑल दी थिंग्स अराउंड मी, तो मैं आले दुआले मेरे आसपास जो हो रहा है उससे मैं बहुत तंग हूँ, ये मीनिंग यहाँ पे निकलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज मैरिड माई कज़न, उसकी मेरे कज़न के साथ चेरी बहन के साथ वो शादी हुई है, जब मैरिड के बाद जो प्रपोजिशन आती है वो टू आती है, तो जब भी मैरिड आना है तो आपने प्रपोजिशन टू यूज करनी है, तो अगर मैरिज आए इस मैरिज के बाद जो प्रपोजिशन आनी है वो विद आनी है, ही इज मैरिड टू माई कज़न, तो आंसर ए हो जाना है। नेक्स्ट, ही सेंसिबल, सेंसिबल मीन समझदार अक्लमंद, यहाँ पे क्या है, सेंसिबल महसूस करना, योर काइंडनेस, जो आपकी काइंडनेस है उसके प्रति, आपकी दयालु फीलिंग है उसके प्रति वो उसको वो महसूस करता है, ही सेंसिबल उसके प्रति वो उसका एहसास है उसको, सेंसिबल वो महसूस करता है उसको, सेंसिबल का मीनिंग समझदार या अक्लमंद होता है, यहाँ पे महसूस करता है वो, सेंसिबल टू, ही इज सेंसिबल टू योर काइंडनेस, यहाँ पे जो प्रपोजिशन आनी है सेंसिबल के बाद, इस सेंस में जब सेंसिबल को यूज किया जाना है तो सेंसिबल टू आना है प्रपोजिशन। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये वीडियो क्लोज करते हैं, अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो, तो कोई अगर कुछ नया सीखने को मिला हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आप इस तरह की या इससे बढ़िया भी और वीडियो देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।